हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कृष्णा बंजार रसोई में। और आज हम बनाने जा रहे हैं एक मुखवास की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक कप तिल ले लेंगे एक बड़े बाउल में। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे आधा कप सौंफ या वरियरी। और 1/4 कप जितना हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। तो अजवाइन मैंने इसमें बहुत कम लिया है। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। तो ये 1 टेबल स्पून जितना लेमन जूस है, ये 1 नींबू का जूस है। और इसके साथ हम इसमें थोड़े सूखे मसाले ऐड करेंगे। वन टीस्पून जितना हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए, एक अच्छा मिक्सचर हमारा बनके तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसे हाथों से भी मिला सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे और ये देखिए, इस तरह का हमारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। और अब इस मिक्सचर को हमें ड्राई करना है। तो ये भी काफी गीला है मिक्सचर हमारा, क्योंकि इसमें हमने लेमन जूस ऐड किया है। तो अभी फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसे कवर कर लेंगे हल्का सा और 4 से 5 घंटे हम इसे सूखने देंगे। तो इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे 4 से 5 घंटे। और ये देखिए, 4 घंटे के बाद ये जो मिक्सचर है हमारा एकदम से ड्राई हो गया है। ये देखिए, एकदम से ड्राई हो गया, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है अभी। और अब हम इसे सेक लेंगे अच्छे से। तो एक आप मोटे तले की कोई भी कढ़ाई ले लें, गैस ऑन कर लें और धीमी आंच पे हमें फ्रेंड्स इसे सेकना है। और इसे रोस्ट करने में फ्रेंड्स 6 से 7 मिनट का समय लगेगा। तो आप कंटिन्यूअसली इस तरह से चलाते रहें। तो इसे हमें कंटिन्यूसली चलाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये तले पे चिपकने लगेगा। तो कंटिन्यूसली हम इसे चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम में वो एकदम से धीमी रखेंगे। तो ये देखिए, अभी 4 मिनट हो चुके हैं और अभी अच्छी सी स्मेल आने लगी है, इसमें अच्छे से खुशबू आ रही है। चलाते रहेंगे लगातार हम। तो एक बार फ्रेंड्स ये मुखवास की रेसिपी आप जरूर ट्राई करें। आप चाहें तो इसमें अलसी भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी। और ये देखिए, 7 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा मुखवास है वो अच्छे से रोस्ट हो गया। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे हम तुरंत और अच्छे से इसे स्प्रेड कर लेंगे हम। और इसे अभी ठंडा होने देंगे। तो कम से कम 15 से 20 मिनट आप इसे ठंडा होने दें और इसके बाद आप एक एयर टाइट कंटेनर में भर लें इसे। तो फ्रेंड्स, मुखवास हमारा बनके तैयार है। आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।